TPS Tech Channel की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में Redmi 8A Dual का गेमिंग टेस्ट किया गया है। गेमिंग टेस्ट शुरू करने से पहले फोन की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। Redmi 8A Dual 439 Snapdragon प्रोसेसर के साथ आता है। GPU है Adreno 505, 3GB RAM है, 32GB स्टोरेज है, 720p स्क्रीन है एंड 5000mAh की बैटरी है। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले हमने गेमिंग टर्बो मोड ऑन कर दिया है एंड पावर सेविंग मोड को डिसेबल कर दिया है। फोन कनेक्टेड है वाईफाई से। सबसे पहले हम इस फोन के ऊपर ASPHALT 9 गेम टेस्ट करेंगे। ASPHALT 9 शुरू करने से पहले रूम का टेम्परेचर है 21 डिग्री सी एंड फोन का टेम्परेचर है 24 डिग्री सी। इस गेम की ग्राफिक क्वालिटी हमने हाई के ऊपर सेट कर दी है। ASPHALT 9 इस फोन के ऊपर काफ़ी अच्छे से चलती है। हमें कोई भी लैग वगैरह नज़र नहीं आया है। सारे ग्राफिक इफेक्ट्स प्रॉपरली रेंडर हो रहे थे। जब गेम थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव हो जाती है उस टाइम ओकेजनली कभी कभार हमें जो है फ्रेम ड्रॉप्स नज़र आते हैं। बाकी ये फ़ोन इस गेम को हाई क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से रन करता है। अगर हम इसको लो सेटिंग में खेलते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस गेम को खेलने में। इस फ़ोन के ऊपर इस गेम के 2-3 लेवल्स खेलने के बाद फ़ोन के फ्रंट का टेम्परेचर है 34 डिग्री सी एंड फ़ोन के बैक का टेम्परेचर है 31 डिग्री सी। नेक्स्ट गेम हम मॉडर्न कॉम्पैक्ट 5 खेलेंगे। इसकी ग्राफिक क्वालिटी हमने डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही सेट रहने दी है। मॉडर्न कॉम्पैक्ट 5 Redmi 8A Dual के ऊपर काफ़ी अच्छे से चलती है। हमें कोई भी लैग वगैरह नज़र नहीं आया है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर। जब हम इस गेम को थोड़ा हाई सेटिंग्स के ऊपर सेट करते हैं उस टाइम हमें फ्रेम ड्रॉप्स नज़र आते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस गेम की सेटिंग को आप डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें अगर आप इस फ़ोन में ये गेम खेलना चाहते हैं। इस गेम के बाद फ़ोन का टेम्परेचर फ्रंट का थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, वो हो गया 36 डिग्री सी और जो बैक का टेम्परेचर है वो है 31 डिग्री सी। अभी हम इसके ऊपर PUBG प्ले करेंगे और देखेंगे ये फ़ोन कैसे हैंडल करता है इस गेम को। अगर मैं इस गेम की ग्राफिक सेटिंग्स की बात करूँ तो वो बैलेंस्ड एंड मीडियम के ऊपर सेट है।
PUBG इस फ़ोन के ऊपर मीडियम टू लो सेटिंग में काफ़ी अच्छे से चलती है, हमें कोई भी लैग वगैरह नज़र नहीं आता है। वाइल ड्राइविंग व्हीकल ओकेजनली फ्रेम ड्रॉप्स नज़र आते हैं कभी कभार। अगर मैं बात करूं इस फ़ोन के टेम्परेचर की तो वो 1 आवर गेमिंग के बाद फ्रंट का टेम्परेचर है 36°C और जो बैक का टेम्परेचर है वो है 34°C। तो इस फ़ोन का टेम्परेचर 24° से मैक्स 36° तक राइज हुआ है। तो इस फ़ोन में हमें वाइल गेमिंग कोई भी हीटिंग इश्यूज नज़र नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस की इस डिवाइस की तो आप मिड टू लो सेटिंग में सारी गेम्स को रन कर सकते हैं, कुछ गेम्स को आप हाई सेटिंग्स के ऊपर भी खेल सकते हैं एंड इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर आपका कोई भी सवाल है इस फ़ोन के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।